तालो तो बोल ही और ब्लॉगर मंड रहा उसे पुराना मंदिर है शिव जी का। आज तो गाइस भारी बरसात आ रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय अदर वी लोग। तो आज का दिन है मैं सोम और शुक्रवार। आज तो आज का मेरा फर्स्ट डे है। देख के आते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। अभी काका जी बाहर गए हुए हैं अपनी साइड देखने, तो काका जी आ जाएंगे फिर बाद में चलूँगा मैं भी साथ में जाऊँगा। तो दिखाते हैं आज का दिन कैसा रहता है, क्या रहता है, क्या सीन है क्या नहीं है। बस वही देखना है। तो फटाफट से निकलते हैं, अभी नादों के पूरा रेडी हो चुका है, खाना वाना सब बन चुका है अपना। और ये दीवार से भी दिखा देता हूँ आपको इधर का, और इधर का देख लो एकदम इधर तो क्या है, अंगबस्तर दिखेगी इस चीज़ें। तो चलते हैं फटाफट। कितनी देर में आता, 11 बजे का नाम लिया था, अभी समथिंग हो चुके 10:30। वो कटे चाचा जी, बरसात हो रहा है, कपड़े सूख जाएंगे क्या? यहाँ पर कपड़ों का लपड़ा रहता है एक तो ज़्यादा। अभी आ गए लोग, लगा के निकलते हैं फटाफट से। अभी लेके आता हूँ नीचे कटे चाचा जी, ऊपर क्योंकि ये तुम देख रखे हो। जो सबको पसंद नहीं है इतना ऊपर चढ़ना। ये ऑफिस में पहुंच चुके हैं, ये ऑफिस, ये पड़ा है लैपटॉप इनका, कीबोर्ड। अभी आएंगे वो सर, वो कितनी देर में आते हैं वेट करते हैं। A few moments later. फाइनली सर आए थे, सर ने जितना बताया उससे थोड़ा सा ज्यादा ही कर लिया। क्या बात, ये बात है। तो ये रहा देखो भाई साहब, ये खतरनाक लग रहा है, ये जो है ना RGB लाइट वाला खतरनाक। चार चार है इसमें, दो इधर है दो इधर है, तगड़ी लाइटिंग चल रही है, इधर अपने ड्रोन चल रही है। तो कंप्लीट हो गई, अभी सर आएंगे देखे। और सर मेरे को लगातार एकदम से आया ना था पहले, तो मेरे को लगा एज वाले होंगे, तो ये तो अपने बराबर के से, अपने थोड़े से बड़े, मतलब 5-6 साल बड़े हैं। तो आराम से अच्छा भी लगेगा, एकदम यूथ के साथ बैठेंगे ना, तब अपने हिसाब से पूछ भी लेंगे उनसे, तो काफ़ी अच्छा है। और एकदम सर एकदम मस्त है। Three hours later. अभी मैं आ गया हूँ बाहर, बरसात आने का पता नहीं इधर ऐसे रहता है क्या मौसम, वो तो थोड़े दिनों दिन रहने के बाद पता चलेगा। और अभी तक सर आए नहीं, जब तक कि गए हुए थे अब तक आए नहीं, तो वेट कर रहे हैं सर हो गए बाहर खड़ा हो गए। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय अनदर वी लॉग। तो आज सैटरडे, तो सैटरडे के दिन मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो अभी पूरा रेडी हो चुका है। तुम्हारा भाई ऊपर से लेके नीचे तक एकदम टिप टॉप शाबाश। तो आज जाना है ऑफिस में, ऑफिस ने कोई टारगेट दिया है, तो आज कंप्लीट करते हैं। कैसे क्या होगा पता नहीं, वो जाने के बाद पता लगेगा। और बाहर आ रही है बारिश, दिख रही होगी देखो, अभी चलते हैं नीचे, पता चल जाएगा आपको, दिखाई दूंगा मैं आपको। तो आज जाऊंगा मैं वहाँ पर पैदल, वैसे पैदल जा दूँ नहीं है, 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर क्योंकि मौसम ठीक रहता ही है, एकदम बारिश वाला मौसम रहता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से पास में ये चल भी जाएंगे, आ भी जाएंगे। तो मैं तो काका जी को परेशान करेंगे, मेरा फालतू में वो वहाँ से इधर आते हैं मेरे को लेने छोड़ने में, बोल चलो तो ठीक है काका जी पैदल चल जाएंगे अपन, तो देख ही जाए लिया उन्होंने। ये देखो भाई ऐसे बरसात आ रही है पूरी। 5 मिनट के रास्ते में मेन रोड की समझ आया यार यहाँ पर। और ये बताते हैं सबसे पुराना मंदिर इधर का, काका जी ने बोला था सबसे पुराना मंदिर है शिव जी का। अरे यार शिव जी को मंदिर दिखाऊँ था ना, खाटा देखूँ। चुका हूँ माजी दूर, बरसात शायद तेज आ गई, और मेरे को जाना है इधर, ये तो यार बाजरा कड़ा सूख गया है अरे मेन रोड पर ही के बाजरा घास फूस मिले तकड़ो चीज है यार। ये व्यू देखो तुम, अब मेरे को जाना है क्या बताऊँ, जहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है ना तुमको लास्ट, बस वहीं तक ही जाना है बस मेरे को, बस इतना सही है काम अपना, पैदल जाओ पास के पास में। अभी फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी बस ये कहाँ पे, यहाँ पे इंटीरियर काम चालू होगा, यहाँ पे टारगेट था मेरे को, ये जो रूम है ना यहाँ का, जो जितना भी रूम है, तो इसको पूरे को वो करना है मेरे को, तैयार करना है, मतलब लेआउट तैयार करना है पहले, तो फिर वो सिखाते जाएंगे कैसे क्या करना है। पहले इसका नाप वूप सब ले लिया मुझे, इधर मैं आपको सब लेके रखा हूँ रेडी, अब इसको उतारूंगा इसको, और फिर आएगा प्रोग्राम देखते जाओ। तो अभी सर तो आएंगे 12-1 बजे तक आएंगे सर, आराम से साइड, कई साइड चलती रहती हैं, तो साइड में विजिट करके आराम से फ्री होके फिर आएंगे इधर। ओके okay.
आज क्या था, रोटी वोटी बनाई थी, सारे सब कुछ बनाया था, लेकिन जल्दी जल्दी में बरसात आ रही थी, छत्ता लेके फिर जल्दी जल्दी में निकलना होगा, तो खाना लेके नहीं आए थे, तो भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा। फिर भी खाना वाना सब खा के आए, मतलब खा के तो क्या है, आप अभी देख रहा हूँ आपने क्या तड़क बड़क खाया है। मतलब वो पीछे बाहर आ गए हैं और बाहर आते देखो छाता लाया, लेट डालो पड़े देखो बेलदार कौन जाए इस बार पहले छाता ले लिया काम करवा जाए लाग रहे था। और वो और बड़े भी टाइम पर ही आगा वा, मतलब बीच जगह पर ही आगा जड़े बेचाला बाजरा पूजरा उग मेला था, और इन देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दूसरी बिल्डिंग और मड़वाम जड़े मनाया लागा जाए, और चार मेहनत देख बड़े ने ऊँचा ऊँचा दो चार जगह खाली छोड़ मिली जी बस हवा भी यार मड़ा लिया कदे। नगर के पास से देखो मेट्रो भी जाती है, एरी मेट्रो, मेट्रो की लाइन देख रहे हो, तुम्हारा बाइक ऐसी जगह पे रहता है यूनिक जगह पे। और ये देखो ये बिल्डिंग ऐसे लगती है जैसे अंबानी का वो एंटोनिया क्या बोलते हैं उसको, वो है ना एक यार क्या नाम है उसका, एंटोनियो जो भी है अंबानी की जो बिल्डिंग का नाम है, ऐसे ऐसे ही कुछ नाम से उसकी बिल्डिंग सी लगती है कभी कभी मेरे को। एक तो सीढ़ा चल पाऊ कंटाड़ा है मेरे तो धुआं धुआं कह हो रही है तेरी अच्छा। अभी आ गया हम घर पे आ गया, सुबह रोटी तो खा के नहीं गया था, तो वहीं पे कुछ खा लिया था। तो यहाँ पे सुबह की रोटी पड़ी थी मेरी, उनको गर्म की लिया और मच्छी थी, तो दही पता नहीं काका जी लेके आए थे कौन लेके आए थे, सलटा थे कोई भी लेके आया हो। तो बस खाना खा के आज का वो लोग यहीं पर ख़त्म होता है, अब कुछ नहीं होगा, बस अभी काका जी आ जाएंगे, फिर दो वर्कर रहते हैं तो वो आ जाएंगे, तो बस खाना वाना बनाएंगे, तो वही रात हो जाएंगे दिन हो जाएगा, तो बस मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। हमारी सोसाइटी में एक ऋतिक रोशन भी रहता है, आइला गया वो तो। तो अभी साफ सफाई कर लेते हैं, नहा धो लिए पूरे, ये देखो तुम तुम्हारा भाई नहा धोके एकदम पूरा रेडी हो चुका है, और अभी चलते हैं थोड़ी देर में, वैसे तो आज छुट्टी है लेकिन घर पर बैठे क्या करेंगे, वो चल चलते हैं। तो आप सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग झाड़ू के साथ एंड वेलकम बैक माय अनदर वी लोग। तो फटाफट से निकालते हैं फिर अपने ये चने खाते हैं। तो तुम्हारा भाई पूरा रेडी हो चुका है एकदम, नहा धो के पूरा कपड़ा उपड़ा सारा धोया है, ऊपर ना सूख रहे जी दिखा सूख जाएंगे तो, क्योंकि मौसम ही है कभी बारिश आ जाए, कभी धूप तो निकली कोई ना, तरह आप आए जो ना मैं तीन से धूप तो आई कोई नड़े, तो अभी देखो आ तो थेल वगैरह लटकाया तारा भाई ने दिख रहे थे कांच में, हाँ तारा भाई पूरा सिस्टम से डालो ये खानो वाणो जो है, तो अभी खाना वाना है तो उसकी व्यवस्था करके चलनी पड़ती है ना पूरी, तो चलते हैं फटाफट से। तालो तो बोलिएगा पूरा ब्लॉगर मंड रहा। अबे साले तब... आज मैं रोटी खा ले फिर रसू चार पांच बार चलता आराम से खानो पचेड़ो ला दे लो। बात तो सही है। मोमोज की फैक्ट्री भी है यहाँ पे, मोमोज वोमोज सब बनते हैं इधर। हाँ ज़्यादा मोमोज नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि वहाँ पे आदमी खड़े थे तो थोड़ा सा अजीब सा लगे थे ना। तो अभी आ गया हूँ, देखो मेन रोड मेरे से यहाँ से इतनी दूरी है, मतलब 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर ही है मेन रोड भी, तो यहाँ से सीधा उधर जाऊँगा, इधर नाला है नदी है, लेकिन नदी लगती है नदी तो क्या है, तो पानी साफ बह रहा है वैसे, गंदा बहता है ना नाले में तो। और साइड में ही मंदिर की वाइब यहाँ पे, अरे ये क्रेन सही है पुलिया का काम करने के लिए, ऊपर मेट्रो ही है जस्ट, पता नहीं पेंटिंग कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर रहे थे। फिर यहाँ पे मेन रोड पर एक और शिव जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं अपने, मस्त है आराम से, मजा आता है जब वाइब आते लगी आती है दर्शन करते करते जाओ ड्यूटी पे। A few moments later अभी ऑफिस में आ गए और आज तो ऐसे धूप भी नहीं निकल रही थी और पता नहीं क्या हो रहा था, जैसे कोई दर्शन देने वाला नहीं हो, कोई भगवान प्रकट होने वाले हो, वैसी रोशनी आती थी, तो इतनी गर्मी हो गई ना तो जो पसीने आ गए वहाँ, तो मतलब 2 किलोमीटर चलने, 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर इसे इतना ही है, उसने चलने में पसीने आ गए भाई बुरे बुरे, ये तो खतरनाक वाले शर्ट वर्ट बनाना सब गीले हो गए, तो आते पहले थोड़ा सा एसी वैसी चालू किया अब इसको बंद कर दिया, दो लाख वाला आओ बट पंखा वन मिल गया, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दिया है, और अभी आएंगे इसे सर 12-1 बजे के समथिंग आते हैं, फिर यहाँ पर बैठे बैठे काम करते रहो, सर आ जाएंगे वो बता देंगे क्या करना है आगे, बस ये सीन। तो अभी डायरी का डेली ये दिखाना तो पॉसिबल होगा नहीं, पॉसिबल तो क्या ये क्या दिखाऊंगा इसमें, आप भी बोर हो जाओगे, तब कोई नई अट्रैक्टिव चीज़ आ जाएगी तभी मैं ऑन करूँगा। ओके ओके बाहर तगड़ी बरसात आ रही है।
भाई साहब जो पास वाली दुकान थी तो उससे छत्ता लिया है, तो फटाफट से घर पे निकलता हूँ और आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, ले चलूंगा आपको। तगड़ी बारिश आ रखी है, 2 घंटे हो गए इसको कंटिन्यू बरसते हुए। अरे बारिश का कुछ ज्यादा ही लफड़ा है इधर। तुम वो मौसम देखो भाई साहब, खतरनाक मौसम हो रखा है। इधर भी देखो खेत ही खेत, बिल्डिंग बनाई इधर भी, और इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो। देखो मौसम देखो तुम, बढ़िया चल रहा है तुम्हारा भाई, स्ट्रगल देख रहे हो तुम्हारे भाई का। ये वाले बोझे जो भी है, खजूर के है, नारियल के, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जो भी है देख लेना तुम, सर्च कर लेना। बहुत देखता हूँ, बहुत बहुत उग रहे हैं यहाँ पे, और बढ़िया अपना खानी तो उगी बना राजस्थान में। मूसलाधार बारिश में पहुंच गए अपने वो वीर हनुमान जी के। देखो बरसात आ रही है खतरनाक ही, और मैं आप आता घर आप पहुंच गया वाई टाइम सो। वो भाई का साथ में दुकान है ना ऑफिस के पास, मेरी दुकान है, तो वहाँ से उस भाई के पास छत्ता लेके आया। मैं छत्ता दे कल वापस आऊँगा तो ले लेना, कहीं भाग पहुँचा वहाँ। तो वो भाई छत्ता ला के दिया, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद, तो उसके कारण मैं यहाँ पे पहुँच रहा जल्दी से। मेरा सुबह इच्छा तो हो रही थी छत्ता ले जाने की, लेकिन मैं सोचा क्या ही लेके जाएंगे, आ जाएंगे क्या बरसात आएगी। लेकिन ये तो मैं आया था 3-4 तारीख को यहाँ पे आया था, 4 तारीख से लेके आज की दी होगी 7 तारीख, तो भाई साहब ऐसे बरसात हो रही है दड़ादड़ी। क्या बात कर रहे हैं, मतलब धूप तो देखी नहीं है, उमस ज़रूर पड़ रही है, मतलब मौसम साफ हो जाता है लेकिन धूप नहीं आती। तो बस अब बाहर दिखाता हूँ आपको, देखो तुमको देखो भाई साहब, देखो कैसे बह रही है, खतरनाक भर गई है तो। और बारिश देखो तुम लोग, Hours later. आज तो गाइस भारी बरसात आ रही है। मैं समथिंग 7 बजने को आ गए हैं, और भाई साहब आज लदी उफान न मार जाए। 3 बजे से हो रही है बारिश, और खतरनाक वाली हो रही है, खतरनाक। ऐसी बारिश हुई नहीं कभी, देखी नहीं मैंने ऐसे कंटिन्यू थी खतरनाक वाली, मतलब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, भाई साहब खतरनाक बारिश हो रही है। अभी आ गया उमर छत पे, पानी पर हो गए छत, देखो इधर ऐसा लग रहा है भाई बंदा भी कोई ना टेंट आला कर, टेंट आला कर आगे जा। सारे कपड़े ना मेरे को छत पे चुकाने पड़ते हैं, यहाँ पे यार क्या ही बताएं यार, कुछ सूखता ही नहीं है। ऐ गीला गीला पैर जा रहा था, 3-4 दिन होगा कपड़ा। अब दिखाता हूँ मैं नदी आपको, देखो दिख रही है, देखो तुम नदी ऊपर से देखो ऐसे दिखता है, ये बह रही है ना खतरनाक वाली। ये देखो तुम बिल्डिंग है, और ये देखो तुम सोसाइटी। आओ मैं नीचे, अभी करते हैं रोटी पानी का सलीका, आज पता नहीं काका जी और वो वर्कर कैसे आएंगे, बरसात बहुत तेज हो रखी है। काका जी शायद लेकर तो जाते हैं शायद अपना वो रेनकोट लेकर तो जाते हैं काका जी, तो बस रोटी वोटी बनानी है, आटा वाटा लगाएंगे और फिर खाना खा के बस पड़ जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को अपने यही एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।